तीसरी बॉल, और मैं अंपायर से अनुरोध करूंगा ये तेज बॉल है थोड़ा कंट्रोल करें, डेड बॉल देने का काम करेंगे क्योंकि ये मैच जो है दोनों टीमों के लिए एक जैसा है। और यहाँ पर कैच था और यहाँ पर एक रन चुरा लिया और ये चार रनों के लिए, और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट चार रनों के लिए कप्तान के द्वारा। तो धीरे धीरे स्कोर जो है 11 रन पहुंचता हुआ, और फिर से यहाँ पर कवर ड्राइव चार रनों के लिए, फिर से दोबारा से नहीं गया क्या, एक रन। तो इसी तरह से रन चुराने की दरकार है क्योंकि कप्तानों कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी तभी वो मैच जीत पाएंगे। और ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर सीटू के द्वारा, और ये इस ओवर की अगली बॉल डालने के लिए गोलू तैयार, और ये वाइड बॉल फिर से वाइड पर आपको अंकुश लगाना पड़ेगा, वाइड पर आपको अंकुश लगाना पड़ेगा वरना ये मैच आपके हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि विशेष ध्यान रखना है आपको वाइड पर अंकुश लगाने के लिए। तो तीन ओवर समाप्त हुए, 14 रन बन चुके हैं, अब जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत, 42 बॉल में 26 रनों की दरकार, यानी हर ओवर में आपको 4.25 रन बनाने हैं हर ओवर में। और यहां पर 2 रन यहां पर बनता हुआ, बहुत ही अच्छा शॉट खेला था कप्तान ने, एक रन। तो यहाँ पर बेहतरीन बॉलिंग करते हुए गोविंद पिछले ओवर में लगातार 2 विकेट लेते हुए, और इस बार और ये आउट होते हुए यहाँ पर मैच जो है खत्म हो चुका। और एरकी सुपर किंग की टीम गोविंद कुमार जो है आज के मैच के तो मैच जो है दोस्तों समाप्त हो चुका है, और एरकी सुपर किंग की जो टीम है वो मैच हार चुकी है। जीतने वाली जो टीम है वो एरकी लायंस की टीम है, जो कि कितने रन बनाई, नहीं एरकी सुपर किंग, हाँ तो यहाँ पर 24 रनों से एरकी जो लाइन की जो टीम है वो हार चुकी है मैच, और बेहतरीन मुकाबला होने की संभावना थी क्योंकि मैच 10-10 ओवर का था, लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और अगला जो टूर्नामेंट हम कराएंगे उसमें और इससे बेहतरीन टूर्नामेंट होगा, उम्मीद करेंगे आप लोग अपना अपना तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। हार जीत से कुछ नहीं होता है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होता है तभी आप फाइनल मैच जीत पाओगे। मैंने पहले ही कहा था कि आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, तो कोई बात नहीं है। तो हमारे जो सहयोगी हैं सीटू कुमार, वो सभी जितने भी हैं खिलाड़ी सबको एक एक बिस्किट दे करके पहले उन्हें नाश्ते का प्रबंध करें, क्योंकि दोपहर का समय है, तो जितने भी यहाँ पर खिलाड़ी हैं सभी लोग बिस्किट खाएंगे, पानी पियेंगे, उसके बाद हम मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज और ट्रॉफी वितरण करेंगे। तो हमारे जितने भी यहाँ पर सहयोगी हैं अंपायर जो हमारे दीपक कुमार हैं, बिट्टू कुमार हैं और चिपू कुमार हैं, ये लोग हमारे सभी सहयोगी हैं, पहले सभी को बिस्कुट खिलाएं पहले, उसके बाद हम लोग आगे का प्रक्रिया शुरू करेंगे।